नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं मीनू एमएस दिव्यदिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपने जगन्नाथ जी का मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि चार धाम में आता है वो, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और द्वारकाधीश। तो इसमें जो है जगन्नाथ जी का बहुत भव्य मेला लगता है, जो कि जुलाई में लगता है, और आपने आरती भी देखी होगी अगर आप गए हैं वहाँ पे। तो प्रातःकालीन जो आरती होती है वो आपने अंदर से तो देखी होंगी, लेकिन क्या आपने ऊपर देखा जहाँ झंडा लगाते हैं और ऊपर जो है गुंबद के ऊपर तक जो है पुजारी आरती लेकर जाते हैं, और वो आरती गुंबद का फेरा पूरा ऊपर लगा के बिना सीढ़ियों के कैसे चढ़ते हैं, कैसे भव्य आरती करते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले जो मैं देख आप पूरा वीडियो देखना उसमें आगे दिखाएंगे। तो आप जगन्नाथ जी का अगर आपने दर्शन किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ज़रूर जाएँ। और वहाँ प्रातःकालीन आरती कैसे होती है जगन्नाथ जी की, उसके बाद में उस मंदिर के ऊपर जहाँ जगन्नाथ जी स्थापित हैं वहाँ पर, तो उसके ऊपर जो चोटी है, गुंबद है, जहाँ पर झंडा लगाया जाता है, वहाँ तक कैसे पुजारी चढ़ते हैं और कितनी आसानी से चढ़कर वहाँ गुंबद का फेरा लगाते हैं और आरती करते हैं, वो दृश्य आप आगे मेरे वीडियो में देखेंगे। तो ये आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये आप देख रहे हैं कितनी भीड़ होती है, क्योंकि जुलाई के समय मेला लगता है, जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, तो ये रथ यात्रा के दौरान काफ़ी भीड़ लगती है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पुजारी जी चढ़े हैं, और ये आपको दिख रहा होगा कहीं यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं हैं, लेकिन वो कितनी आसानी से वो चढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ठाकुर जी हैं वहाँ पर सब कुछ आसान हो जाता है। श्रद्धा सबसे बड़ी ताकत है, और श्रद्धा से हम बहुत कई प्रॉब्लम्स को आसानी से चुटकी में हम उसका सामना करके हल कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से चढ़ रहे हैं पंडित जी, पुजारी जी, और ये पूरा ऊपर चढ़ेंगे गुंबद के ऊपर जाकर, और गुंबद की जो ऊपर चोटी आप देख रहे हैं जहाँ पर झंडा लहरा रहा है, वहाँ के ऊपर के गुंबद तक वो जाएंगे, फेरा लगाएंगे, और फेरा लगाने के बाद में ये एक तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जलता हुआ इतना बड़ा भव्य आरती है जिसको ऊपर ले जाना ही एक अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन जहाँ पर जगन्नाथ जी हैं, जहाँ ठाकुर जी हैं, जहाँ श्रद्धा है, भक्ति है, वहाँ सब कुछ आसानी से संभव हो सकता है। तो ये आप मेरा वीडियो पूरा देखिए कि किस तरह से पुजारी जी ऊपर ले के जाएंगे और आरती करेंगे। और इसके और भी कई रहस्य हैं जगन्नाथ जी के भक्ति और मंदिर के, तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी। और आप मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, जो घंटी होती है उसको पुश करेंगे, तो ऑल पर जाके आप मेरे पुश करेंगे तो आप सारे वीडियो मेरे देख सकते हैं जो भी मैं अपलोड करूँगी। आप ये देखिएगा, अभी आप वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी देखिएगा ऊपर चढ़ेंगे जहाँ पर झंडा लगाया जाता है, ऊपर झंडे की चोटी तक जाएंगे, और ये देखिए कितनी आसानी से, जैसे कि हम लोगों को देखने में तो बहुत आसानी सी लग रही है, लेकिन वाकई में बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन जहाँ पर भगवान की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है, वो आसानी से, वो चुटकी में आसानी से सारा कार्य हल हो सकता है। तो ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि किस तरह से जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर पुजारी कैसे झंडा जहाँ पर लहराते हैं वो वहाँ तक आरती को लेके उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, आरती उतारे हैं। और आगे आप अगर आपको कोई मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने सुझाव जरूर दीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो के साथ में अच्छे से अच्छा, जो भी आप सुझाव देंगे उसके अकॉर्डिंग मैं और भी अच्छे वीडियो डालूँगी, और अपनी राय जरूर दीजिए। और ये मैं भी आश्चर्यचकित हो रही हूँ कि कितना, लेकिन जहाँ भक्ति है वहाँ आश्चर्य की कोई सीमा वो रह नहीं जाती है, गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन हाँ ये देखिए कितने आसानी से चढ़ रहे हैं, जैसे कि एक आदमी एक बहुत ज़्यादा सीढ़ियों पे चढ़ता, उसी तरह से आसानी से एक हाथ में आरती लेते हुए, जबकि कितनी ज़्यादा भव्य आरती है उसको लेके आसानी से चढ़कर आरती करने जा रहे हैं। तो ये आपके साथ में मैंने ये शेयर किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये।
तो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। जय श्री जगन्नाथ जी का जरूर नाम लिखें, जय जगन्नाथ जी। और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ और आगे अच्छे वीडियो के साथ में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। आप भी जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लिखना कुछ भी नहीं अच्छा लगता तो भगवान का ये दृश्य देखिए या आरती देख के आपका मन तो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होगा और आपको भी जहाँ तक ये बहुत अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम अपने मेरी कमेंट बॉक्स में आप जय जगन्नाथ जी जरूर लिखिए। तो इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ और ये आरती का दृश्य आपको कैसा लगा आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जिसने नहीं देखा है वो भी ये वीडियो देख के बहुत खुश होगा और आपको भी दुआएं देगा, क्योंकि हमको जैसे कि ये देखने को मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके साथ शेयर किया ये वीडियो, तो आप भी लोगों के साथ में शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ और जय श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी की जय हो। और मैं आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके आऊँगी इस मंदिर के बारे में और वहाँ के झंडे के बारे में, जो कि उल्टी दिशा में क्यों लहराता है झंडा, क्योंकि विपरीत दिशा में जैसे कि हवा आ रही है उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि अगर जिस दिशा में हवा आती है उस दिशा में झंडे को लहराना चाहिए, लेकिन अपोजिट दिशा में क्यों लहराता है। इसके साथ भी मैं उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ जी।